मैं हूँ प्रिया यादव और आज हम बात करेंगे पॉलीमर में लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे रबर और फाइबर्स के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले रबर। रबर आर ऑल्सो नोन एज इलास्टोमर्स, इट हैज़ फॉलिंग प्रॉपर्टीज़। रबर को इलास्टोमर भी कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं: हाई इंटरमोलिकुलर वेट, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, लॉन्ग फ्लेक्सीबल चेन्स, हाईली इलास्टिक, कैन बी स्ट्रेट कंप्रेस्ड। मतलब रबर का जो इंटरमोलिकुलर वेट होता है बहुत ही हाई होता है और उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही वीक होता है। रबर बहुत ही हाईली इलास्टिक होता है, जिसे हम कंप्रेस और स्ट्रेन भी कर सकते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ रबर। रबर जनरली दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो आता है सबसे पहले नेचुरल रबर। नेचुरल रबर इज़ फ्रॉम द मोनोमर आइसोप्रीन, दैट इज 2-methyl-1-3-butadiene। इट इज़ एन एडिशन पॉलीमर दैट इज ऑब्टेंड एज अ मिल्की वाइट फ्लूइड नोन एज लेटेक्स फ्रॉम अ ट्रॉपिकल रबर ट्री। नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन है, जिसे हम 2-methyl-1-3-butadiene भी कहते हैं। नेचुरल रबर एक एडिशन पॉलीमर है जो कि हमें एक रबर ट्री से मिलता है, जिसका रॉ फॉर्म लेटेक्स होता है। सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर इज़ अ मैन मेड रबर विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बाय सिंथेसाइजिंग इट फ्रॉम पेट्रोलियम एंड अदर मिनरल्स। तो हमें सिंथेटिक रबर मिलता है। सिंथेटिक रबर को मैन मेड रबर भी कहते हैं। सिंथेटिक रबर इज़ बेसिकली अ पॉलीमर और एन आर्टिफिशियल पॉलीमर। सिंथेटिक रबर को हम आर्टिफिशियल पॉलीमर भी कहते हैं। सिंथेटिक रबर भी कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारा ये ब्यूना एस रबर। इट इज़ ऑब्टेन बाई को पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-butadiene एंड स्टायरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड एज कैटलिस्ट। जब हम 1,3-butadiene और स्टायरीन को पॉलीमराइज कराते हैं क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड या सोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमें ब्यूना एस रबर मिलता है। इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। अब आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़: हाई वेयर रेजिस्टेंस, हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी, लो ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीस्टायरीन, स्टायरीन रबर और GRS रबर। ब्यूना एस को हम पॉलीस्टायरीन रबर या GRS रबर भी कहते हैं। इसके एप्लीकेशंस हैं: इट इज़ यूज इन मेकिंग शूज सोल्स, मोटर टायर्स, गास्केट्स, अधेसिव्स एसेट्रा। ब्यूना एंड रबर। इट इज़ ऑब्टेन बाई को पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-butadiene एंड एक्रिलोनाइट्रिल इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। जब हम 1,3-butadiene और एक्रिलोनाइट्रिल को किसी भी पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पॉलीमराइज कराते हैं, तो हमें ब्यूना एंड रबर मिलता है। इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं: रेजिस्टेंस टू एसिड्स, हीट एंड सॉयल, हाई टेम्परेचर एंड वियर रेजिस्टेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज नाइट्राइल रबर और GRA रबर। ब्यूना एंड रबर को हम नाइट्राइल रबर या GRA रबर भी कहते हैं। इसके एप्लीकेशन है: इट इज़ यूजफुल इन एंटी एक्शन ऑफ पेट्रोल, अडल्ट ऑयल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल टैंक्स, गैसोलीन हाउसेज एंड गैस। अब आता है हमारा नियोप्रीन रबर। इट इज़ ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोपीन मोनोमर। जब भी क्लोरोपीन मोनोमर को हम पॉलीमराइज करते हैं, तो हमें नियोप्रीन रबर मिलता है। नियोप्रीन रबर को हम पॉलीक्लोरोपीन या GRM रबर भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ हम देख सकते हैं ऐसा है कि यहाँ पे जो 2-chloro-butadiene है, इसका वो जब पॉलीमराइज हमने किया तो हमें नियोप्रीन रबर मिला। अब आता है हमारा इसकी प्रॉपर्टीज़: इट हैज़ सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स एक्सेट्रा। इट्स एप्लीकेशंस आर यूज फॉर कोटिंग टू वायर्स एंड केबल्स, इन मेकिंग शूज सोल्स, ग्लव्स, गास्केट्स, होसेस एक्सेट्रा। फाइबर्स। फाइबर्स आर लॉन्ग थिन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। इट कंटेन्स अमाइड और एस्टर फंक्शनल ग्रुप। फाइबर जनरली लॉन्ग थिन और कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। फाइबर्स में जनरली ईस्टर या अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर: पॉलीअमाइड, पॉलीस्टर्स। पॉलीअमाइड, अ पॉलीमर विच कंटेन्स अमाइड लिंकेज आर कॉल्ड पॉलीअमाइड्स। वो पॉलीमर जिसमें अमाइड लिंकेज या अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे हम पॉलीअमाइड्स कहते हैं। पॉलीअमाइड्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डायमीन्स विथ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ऑल्सो ऑफ अमीनो एसिड्स एंड द लैक्टम्स। पॉलीअमाइड जनरली हम जब डायमीन्स और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं, तब हमें पॉलीअमाइड मिलता है। फॉर एग्जांपल है नायलॉन। नायलॉन के भी कई तरी होते हैं, जैसे नायलॉन 6, नायलॉन 6-6, नायलॉन 6-10। नायलॉन 6 जिसे हम पैरालॉन भी कहते हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलेक्टम। जब भी कैप्रोलेक्टम का हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो हमें नायलॉन 6 मिलता है। इसके एप्लीकेशंस हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स, कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। नायलॉन 6-6 इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर।
जब भी हम हेक्सामिथाइलिन डायमिन और एडिपिक एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर तो हमें नालॉन 66 मिलता है। इसके एप्लीकेशन है इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीड्स, मेकिंग ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेज, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नालॉन 610, इट इज़ प्रिपेयर बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमिन एंड सिबासोल क्लोराइड। जब भी हेक्सामिथाइलिन डायमिन और सिबासोल क्लोराइड का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराएंगे तो हमें नायलॉन 610 मिलेगा। और इसका एप्लीकेशन है यूज एज टेक्सटाइल फाइबर फॉर मेकिंग पैराशूट, फॉर मेकिंग हैवी ड्यूटी टायर्स। अब आते हैं हमारे पॉलीएस्टर्स। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाईऑल्स अंडरगो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म पॉलीएस्टर्स। जब भी हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाईऑल्स यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप फंक्शन प्रेजेंट करते हैं, जब भी इन दोनों का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो हमें पॉलीएस्टर्स मिलेंगे। पॉलीएस्टर्स का यहाँ पे एग्जांपल है टैरिलीन और ग्लिप्टल। टैरिलीन को हम डेक्रॉन भी कहते हैं। डिसोप्टेन बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेपथैलिक एसिड एट 420 टू 460 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट। जब भी इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेपथैलिक एसिड का 420 टू 460 केल्विन टेम्परेचर पे जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो हमें टैरिलीन मिलेगा। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब आती है इसकी एप्लीकेशन। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड, सीट बेल्ट, ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स एक्सेट्रा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।